हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? हूँ। कौन सा गोरे हैं, कहाँ से? मैं वकास मलिक बात कर रहा हूँ, पिशावर से। इससे अगर आहिस्ता और बोल सकते हैं तो थोड़ा और आहिस्ता बोलें ताकि मैं रिकॉर्ड ना कर लूँ, ठीक है ना? क्योंकि रिकॉर्ड में असल मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं नहीं करता। आप अगर इतने ही आपको कोई मसला है बोलने का तो आप वैसे मुझे बता दें क्या मसला, क्या क्या पूछना चाहते हैं। सर, ये ऊंट की सीड या ऊंट के प्लांट पाकिस्तान में कहाँ से मिल सकते हैं? जी सर, ऊद के अभी तक तो मुझे कोई कहीं से भी नहीं मिल सके। मैं वैसे इसी तलाश में हूँ को कोई बंदा जो मेरे ऊद के मैंने प्रोग्राम जो किया है उसके नीचे कमेंट्स देखें। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उस पर कमेंट किया हो कि मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन सागवान वाले तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनका तो मैंने नंबर दे दिए हैं, उनसे पता कर लें अगर हो सकता है कि वो उनको इतला हो कि कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर तो इंडिया से लोग मंगवाते हैं। जहाँ तक के मुझे पता है कि इंडिया से काफी वही ज्यादा ना, मिलते इंडिया हैं। से ही मंगवाते हैं क्योंकि ये सारे जितनी भी पुराने ये सागवान हो गया, संदल हो गया, ये सारे उधर से ही मंगवा रहे हैं। अभी मुझे एक और जो लास्ट मैंने आज के प्रोग्राम्स मैंने अपलोड किया है तो उसमें उसने कहा था कि डॉक्टर साहब मैंने तो उससे पता किया है जो आपने नंबर दिया हुआ है, क्या नाम है, राणा तौसीफ का, तो वो तो कह रहे हैं राणा साहब के मेरे पास तो अभी नहीं है, इंडिया से आ भी नहीं रहे। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो कोरोना वरोना से तो उसके बाद वो मंगवाएंगे। ये उधर से ही आ रहे हैं ऊद का। हमारे यहाँ कोई, मेरा ख्याल है कि शायद कोई हो। चलें, अच्छा है, ये प्रोग्राम मैं अपलोड कर दूंगा। अगर किसी के अच्छा ठीक है, नर्सरी में किसी का कोई इस तरह के प्लांट्स हों ऊद के तो वो प्लीज़ अपना कांटेक्ट नंबर दे सकता है। ये अभी मैंने कुछ मिनट पहले मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किए, वो भी बाहर मुल्क से चीज़ें मंगवाते हैं, सीड्स काफ़ी ज़्यादा सीड भी मंगवाते हैं। इंडिया से उसने काफ़ी काजू वगैरह ये सब कुछ उसने वहाँ से मंगवाए और यहाँ पाकिस्तान में लगा के उसने कामयाब कर दी सीड से। वेरी गुड। तो तो उसको हाँ मैंने कॉल किया कि यार ये चीज़ हमें चाहिए और हाँ लाजमी चाहिए, तो चलें, ये अच्छा आने है, वाले उसका टाइम नंबर वंबर दे दें ताकि लोग जो हैं अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहें काजू के, क्योंकि काजू के लोग भी मांग रहे हैं कि प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आपके दोस्त के पास हैं और वो बेचना चाहता है तो वो बता दे कितनी कीमत है और कहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर उसके पास हैं तो काजू के भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मांग मांग रहे हैं। वो सर वो लाहौर थे और इस साल इसने तकरीबन 20-25 वैरायटी इंजीर के भी मंगवाए और कामयाब रहा इंजीर है। की तो खैर बहुत बेशुमार है ना, इंजीर तो हमारे पास बहुत है। मैंने बल्कि कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है कि जिसने इंजीर का लेना हो वो हम, मैं आपको देता हूँ हमेशा उसके ना कांटेक्ट नंबर अशफाक का, तो अशफाक का नंबर तो उससे पता कर सकते हैं कि हो सकता है उसके पास से ये काजू का भी हो। ये नंबर मैं दे देता हूँ, आप उनसे पता कर लें, कांटेक्ट कर लें, ठीक है? आप लिखें 03444531 3625। 3625 हाँ, ये अशफाक इफ्तखार हैं, इनसे पूछ लें कि आपके पास कोई काजू का या फिग का, तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा हैं इनके पास भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इंजीर के। हमारे NARC वालों ने भी इंजीर पे काफ़ी काम किया है और उनके पास भी पौधे हैं जी। ये बताएं कि ये अंगूर में फ्लेवर की कितनी वैरायटीज हैं? वो भी बहुत ज़्यादा अंगूर पे हमारा एक प्लांट ये जेनेटिक रिसोर्सेज वाले और उन्होंने इतनी ज़्यादा कल्टीवर्स हैं वो लगा रखे हैं और बेशुमार हैं और उन पे भी वो रिसर्च कर रहे हैं। अब कितने उन्होंने यहाँ कामयाब हैं, कितने इंट्रोड्यूस कराए हैं और उनका आप वहाँ से NARC का मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ, आप उनसे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वालों से या हार्टिकल्चर वालों से पूछ लें कि कितने का वो
कामयाब अभी तक हुए हैं, ठीक है या नहीं? चलो चलो सर, वो दे आपका दे, नंबर भेज वो दो। मैं दे देता हूँ, 0515907 33 000। 000। जी, जब ये NARC एक्सचेंज है, ये सुबह 9 से आप ऑनवर्ड आप देख लेंगे, इनको कहेंगे तो आप इनसे हॉर्टिकल्चर पूछ लें या फ्रूट्स वालों का नंबर ले लें एक्सचेंज का ये, और वहाँ से या प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज PGRI वाले, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज या फ्रूट वालों को से मिलाएंगे तो फौरन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने हैं, अच्छा। कौन कौन से कल्टीवर्स हैं। मेरे पास इसमें स्ट्रॉबेरी और मैंगो का भी आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी है, पीच है, हनी है, ये तीनों मेरे पास अभी मौजूद है, मैंगो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो आपके पास, आप ये कारोबार कर रहे हैं, सर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ये तो प्लांट्स वगैरह हैं तो आप अपना जो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये मेरा जो हो जाएगा ना अपलोड, तो इसमें आप अपना नंबर भी नीचे दे सकते हैं कि आप मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, और फिर उसमें आप सारा बता दें कि स्ट्रॉबेरी फलां फलां जो जो भी आप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, लोग फिर आपसे रब्ता काम कर रहे हैं, और अब तो हर चीज़ है ही ऑनलाइन ना, ठीक है ना जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और कोई 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 और कोई मसला, कोई और इन्फॉर्मेशन? नाम क्या आपने बताया, पेशावर से बोल रहे हैं? वकास मलिक, अच्छा। क्योंकि मैंने सर आपके नंबर पर पहले भी काफी ज्यादा, तकरीबन 1 साल 2 साल पहले काफी ज्यादा ट्राई किया था, लेकिन आपका नंबर आई थिंक कि उस टाइम आपका नहीं, वो मैं अब भी ऑफ होता है 11 बज के 11 बजे से 1 बजे तक मैं कॉल्स लेता हूँ, और इस वक्त मैं इमरजेंसी कॉल्स के लिए कभी कभी खोलता हूँ, और या फिर इमरजेंसी कॉल्स हैं या कोई लोगों के, चूंकि मेन वाइल मैं सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ, इससे पहले मैंने अभी लेयर्स एग्स पे अभी आप अपलोड करूँगा, तो लेयर्स की किस्में कोई मांगी थी, पूछी थी कि किस किस्म के अंडे, अंडों वाली मुर्गियों का, तो उनकी पूरी ब्रीड्स के नाम वो दे रहा था, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो मांगता है उसको दे देता हूँ, वो भी हो जाता है किसी का। लेकिन इमरजेंसी में कई एक प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, खास तौर पे पेशावर वालों के, तो दुम्बों के कभी उनके स्टोमक का प्रॉब्लम है किसी, आप प्रोग्राम तो मेरे देखते ही रहते हैं ना, पता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं हाथ से मत खाओ, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।